हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल दिस इज राघा वरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लेक्चर नंबर टू की इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एग्जैक्टली आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड व्हाट इज द अल्जेब्राइक कंडीशन विच वी कैन यूज एंड प्रूव दैट विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टेकिंग फॉरवर्ड अवर स्टडीज इन दिस लेक्चर we will learn the use of derivatives how we can use derivatives to find whether a function is increasing or decreasing in a particular interval i hope guys you will like this video if you will like this video please give this video a thumbs up and must subscribe if you are new to our channel without any ado guys let's get started सो गाइज़ एज यू कैन सी द हेडिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन्स हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखा है यार जाओ पहले उसको देख लो मैं एक ब्रीफ इंसाइट देता हूँ बाकी आप उसको देखोगे तभी आपको क्लियरिटी होगी बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे उसमें ठीक है तो प्रीवियसली हमने सीखा था कि किसी फंक्शन को अगर आप इंक्रीजिंग बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं उस फंक्शन में जिस इंटरवल में बात कर रहा हूँ तो अगर मैं उस फंक्शन में कोई एक्स वन कोमा एक्स टू उठाऊं और एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू हो और वो इम्प्लाई भी कर दे कि जो एफ एक्स वन है वो भी ग्रेटर देन एफ एक्स टू हो तो मैं उस केस में उस फंक्शन को क्या बोल सकता हूँ गाइस मैं बोल सकता हूँ उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन उसको मैं क्या बोल सकता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सिमिलरली अगर कोई एक्स वन कॉमा एक्स टू में किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए उठाऊँ और मेरे को गिवन हो कि एक्स वन बड़ा है एक्स टू से और वो ये इम्प्लाई कर दे कि x1 तो बड़ा है x2 से लेकिन तब भी एफ एक्स वन छोटा आया एफ एक्स टू से तो उस केस में मैं बोलूँगा कि वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पर हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी हमारे लेक्चर नंबर वन में जिन्होंने नहीं देखा है जाओ चैनल पर रेफर करो प्लेलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की वहां पर आपको डिटेल डिस्कशन इसका मिल जाएगा हम लोगों ने क्या बात करी थी ठीक है आज बढ़ते हैं गाइज आगे और देखते हैं कि जैसे कि आपको चैप्टर का नाम पता है ए ओ डी है सो कहीं ना कहीं तो डेरीवेटिव यूज आना चाहिए यार तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेरीवेटिव्स का यूज करके कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ठीक है तो चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट देखते हैं सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं गाइस हेडिंग डाल देते हैं मोनो टॉनिक फंक्शंस स्टडी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स गाइज कुछ कंडीशंस होती हैं डेरिवेटिव्स की जो इंप्लाई करती हैं फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं पहले आपको मैं कंडीशंस लिखवाना चाहूंगा उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं कि वो कंडीशंस आई कहां से तो इसी तरह से ही बेस्ट रहेगा ताकि आप लोगों को कंडीशन भी याद हो जाए और बाद में आप एक्सप्लेन भी कर पाएं किसी और को अगर आप पढ़ाते हैं कि वो कंडीशंस आती कहां से हैं जो कम बच्चों को पता होता है बिकॉज बच्चे रट लिया करते हैं टीचर्स भी अक्सर उसको लिखवा छोड़ देते हैं कि दिस इज द कंडीशन एंड दिस यू नीड टू लर्न लेकिन हम लोग समझेंगे वो आती कहां से है अगर आपका मैथ्स में अच्छा माइंड चलता है तो आप लोग समझ जाएंगे बाकी बच्चे उस एक्सप्लेनेशन को इग्नोर करके डायरेक्टली कंडीशन याद कर सकते हैं ठीक है तो हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की क्या होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और क्या होते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस ठीक है तो कंडीशन की बात कर लेते हैं फोर strictly increasing functions सबसे पहले गाइज मैं बात करूंगा strictly increasing functions की आपको बता दूं strictly increasing functions वो होते हैं जो functions without any break स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया कि स्ट्रिक्टली बस ऊपर ही ऊपर जाते हैं अगर मैं उनके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर की तरफ जाता है ऐसा कोई भी सिनेरियो उसमें नहीं आता है कि कोई दो वैल्यूज इक्वल भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ की बात करूं, गाइस अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का तो वो कुछ इस तरह से होगा लेट मी ड्रॉ फॉर यू ऑल तो वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ होगा ठीक है तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पर x बढ़ा हो लेकिन उसके कॉरस्पोंडिंग एफ एक्स की वैल्यू ना बढ़ी हो हर सिनेरियो में जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स बढ़ रहा है और इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है ठीक है गाइज आई होप दिस थिंग इज क्लियर किस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा तो हम लोगों ने इसकी कंडीशन की बात करी थी कि अगर ये अगर मान लीजिए ये जो एफ एक्स है ये ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफाइंड है देन अगर आप कोई एक्स वन कॉमा एक्स टू उठाते हैं ओपन इंटरवल ए टू बी में और एक्स वन आपका बड़ा है एक्स टू से आपको पता है तो वो इंप्लाई करे एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से बड़ा आए इस कंडीशन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं अभी हम लोग डेरिवेटिव वाली कंडीशन से रिलेट करने वाले हैं पहली कंडीशन तो ये होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की दूसरी कंडीशन क्या होती है वो ध्यान से समझेंगे गाइस दूसरी कंडीशन होती है अगर आपको एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिलता है फॉर द एंटायर इंटरवल फॉर विच यू आर चेकिंग वेदर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगा फॉर दैट एंटायर इंटरवल तब भी आप कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विदाउट लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ठीक है तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन आपको याद रखनी है फिलहाल के लिए अभी समझाता हूं कहां से आती है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो दो कंडीशन हो गई फर्स्ट कंडीशन सबसे कम यूज होती है मेन जो है वो है सेकेंड कंडीशन इसी कंडीशन को यूज करके हम लोग इंटरवल्स निकालने वाले होंगे आगे आगे ठीक है सो आई होप आपको मेरी बात अभी तक क्लियर है अभी तक मैंने बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ठीक है उसके बाद ग्राफ कैसा दिखता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एल्जेब्राइक अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो फर्स्ट कंडीशन के साथ आप कैसे प्रूव कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में देखा था और जो हमारा मेन चीज है मेन टारगेट है वो है सेकंड कंडीशन आई होप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको याद रहेगा फॉर द टाइम बिंग की एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है मूविंग फॉरवर्ड गाइज मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं फॉर इनक्रीजिंग फंक्शंस तो यहीं पर मैं डिस्कस भी करूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है तो डिस्कस करते हैं गाइस अब बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की तो इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कुछ एज सच मेजर डिफरेंस नहीं होता है जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा एक जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ गाइज मैं आप लोगों के लिए ठीक है यह आपका x एक्स, एक्सिस दिस इज y एक्सिस कंसीडर करते हैं कोई ग्राफ है कुछ इस तरह का ये हुआ फिर यह हुआ फिर ऐसे फिर वो आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और फिर ऐसे निकल गया कुछ इस तरह का ग्राफ ये भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है डोंट माइंड माय माई कि भैया ये तो ऊपर नीचे हो रही है मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि दीज टू लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन्स पैरल टू एक्स एक्सएक्सेस ठीक है तो इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली कौन सा होता है जैसे कि मैंने बात करी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आपके जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली बढ़ता है विदाउट एनी ब्रेक ब्रेक का मतलब मेरा यहां पर क्या है कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आता है जहां पर वो कांस्टेंट हो जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि बढ़ता ही चला जाता है जहां तक आप देखते हैं उस इंटरवल में जिसकी आप बात कर रहे हैं लेकिन इंक्रीजिंग में एक फर्क आ जाता है इंक्रीजिंग में क्या है गाइस आप अगर इस ग्राफ पर ध्यान देंगे अगर आप इस ग्राफ पर ध्यान देंगे गाइस तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ थ्रू आउट बढ़ तो रहा है देखो कहीं पर भी वैल्यू गिर नहीं रही है अगर आप चेक करेंगे अगर आप x की कोई भी वैल्यूज दो डालेंगे जिसमें आपको पता है बड़ी वैल्यू कौन सी है तो ऑब्वियस है कि आपकी जो बड़ी वैल्यू के कोरोस्पॉ एफ एक्स की वैल्यू आने वाली है अगर ये एफ एक्स कोई फंक्शन है तो वो भी बड़ी आने वाली है लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो डिफरेंस आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से वो ये आता है कि अगर आप दो वैल्यूज कंसिडर करते हैं यानी कि जो अगर मैं एल्जैब्राइक कंडीशन की बात करूं गाइस, अगर मैं एल्जेब्राइक कंडीशन की बात करूं तो तो वही सेम कंसीडर करें एफ एक्स ए से बी में डिफाइंड है अगर आप कोई एक्स वन कोमा एक्स टू कंसीडर करते हैं और जो आपका एक्स टू है वो बड़ा है एक्स वन से तो अगर ये इंप्लाई कर दे कि जो आपका एफ एक्स टू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है एफ एक्स वन से उस सिनेरियो में मैं कह सकता हूं कि यह पर्टिकुलर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होकर ओनली इंक्रीजिंग है इक्वालिटी से क्या फर्क पड़ा यह कहना चाहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में तो अगर आप कोई भी दो एक्स की वैल्यूज उठाते हैं और आपको पता है कि उसमें से बड़ी कौन सी है तो जो बड़ी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू है वो भी बड़ी आनी चाहिए दूसरी वैल्यू जो छोटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके एफ एक्स की यानी कि अगर आप एक्स वन और एक्स टू कंसिडर करते हैं कोई भी तो जो एक्स टू बड़ा है अगर एक्स वन से ध्यान से सुनना अटक सकते हो आप लोग एक्स वन और एक्स टू कंसिडर करा अगर एक्स टू बड़ा है एक्स वन से और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स टू को एफ एक्स वन से बड़ा ही होना पड़ेगा इवन वो बराबर भी नहीं हो सकते ठीक है ये बात ध्यान रखना लेकिन अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक्स टू बड़ा है एक्स वन से तो जो एफ एक्स टू है अगर वो बड़ा आ रहा है एफ एक्स वन से तब भी उसे हम इंक्रीजिंग बोलेंगे और अगर वो बराबर भी आ रहा है तब भी आप उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं इन दैट इंटरवल ठीक है आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी ठीक है जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो जब आप दो एक्स की वैल्यूज लेंगे मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू ली और ये एक्स की वैल्यू ली तो जब एक्स वन एक्स टू आप लेते हैं और एक्स टू बड़ा है एक्स वन से तो जो एफ एक्स टू है वो भी एफ एक्स वन से बड़ा है क्लियरली आप देख सकते हैं ठीक है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में यहां पर डिफरेंस आता है कि इंक्रीजिंग फंक्शंस में इक्वेलिटी वाला सिचुएशन भी आ सकता है यानी कि अगर आप कोई और दो वैल्यूज लेते हैं एक्स थ्री कॉमा एक्स तो फोर इंक्रीजिंग फंक्शंस यहां पर x4 बड़ा है x3 से लेकिन जो एफ एक्स है वो बराबर है एफ एक्स थ्री से इस केस में भी मैं बोलूंगा कि यार चलो ठीक है माना बढ़ा नहीं लेकिन घटा भी तो नहीं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इंक्रीजिंग नहीं है आप देख सकते हो ग्राफ में ग्राफ ऊपर गया कुछ समय के लिए कॉन्स्टेंट हुआ लेकिन जा तो फिर ऊपर ही रहा है ना तो इसलिए इस फंक्शन को हम लोग ओनली इंक्रीजिंग बोलते हैं जबकि स्ट्रिक्टली वर्ड जब हमने यूज करा जब ने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करा तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होने का सीनेरियो नहीं आया यानी कि जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली बढ़ ही रहा है ठीक है तो इस चीज पर आप लोगों को खास ध्यान रखना है गाइस ठीक है आई होप द डिफरेंस इज क्लियर अब आप क्लियरली बता भी सकते हैं मुझको कि दूसरी कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए तो दूसरी कंडीशन जो है मैं लिख देता हूं वो क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए जो एफ डैश एक्स आता है वो आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी गाइस ठीक है जो दूसरी कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए वो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यानी कि अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं तो वहां पर इक्वेलिटी का कोई भी कंसर्न नहीं है ओनली इनक्वेलिटी की बात हो रही है तो यही फर्क होता है ग्राफ में भी आप चेक कर सकते हैं स्ट्रिक्टली में आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन increasing में भी आए हैं बट अगर ग्राफ़ की बात करें तो वो बढ़ रहा है इसलिए हमने इसको increasing function बोला, ठीक है हैं, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट है नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली ड्रीजिंग फंक्शंस नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तो चलो समझते हैं सबसे पहले तो स्ट्रिक्टी डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं मैं वैसे यह सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में बट जस्ट रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा ताकि चेन बनी रहे हमारी जो सीखने की लर्निंग की चेन है वो बनी रहे आप टूटे नहीं कि यार पिछली वीडियो से काफी टाइम हो गया देखे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है हल्क हल्का हल्का रिवाइज भी कर रहे हैं तो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रिक्टली का मतलब कि विदाउट एनी इंटरप्शन डिक्रीज होना चाहिए थ्रू आउट द इंटरवल जिस इंटरवल की मैं स्टडी कर रहा हूं ठीक है तो कुछ इस तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं इस तरह का आप ग्राफ बोल सकते हो ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है ठीक है इसको एफ एक्स अगर मैं नाम देता हूं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है एल्जेब्राइक कंडीशन की सबसे पहले बात करेंगे एल्जेब्राइक कंडीशन जो हमने पिछली बार पढ़ी थी कि अगर कोई एक्स वन कोमा एक्स टू मैं इस इंटरवल में से उठाता हूं गाइस तो उसमें अगर मैं देखूं कि एक्स वन अगर मेरा बड़ा है एक्स टू से तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो इंप्लाई करेगा कि जो मेरा एफ एक्स वन है वो छोटा आ रहा है एफ एक्स टू से ठीक है आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी ये कंडीशन जिसको क्लियर नहीं है गाइस मेरी फ्री एडवाइस है मेरी प्रीवियस वीडियो देखो उसमें एक्सप्लेन करा है बहुत डिटेल में ये कंडीशन आती कहां से है ठीक है तो ये कंडीशन हम पढ़ चुके थे मैंने दोबारा लिख दी जो नेक्स्ट कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें सीखनी है आज के लिए वो ये है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो होगी लेस होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी अभी सिर्फ कंडीशन देख लो ठीक है उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को कि कैसे आती है कंडीशन एफ डैश एक्स के साइन कैसे डिसाइड हो रहे हैं इन फंक्शन के लिए उस सब पर बात करेंगे राइट right नाउ सीखने के लिए आपको ये है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है और लास्ट की बात करेंगे टाइप जो हम लोगों को देखनी है वो है वो क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन नॉट स्ट्रिक्टली ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन इसके लिए बात करते हैं पहले तो जिनको समझ आ गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली ऑनली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है वो क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए ऑब्वियसली अगर इसका सिर्फ डिक्रीजिंग नाम है तो मे बी ये स्ट्रिक्टली हो मे बी ना हो ठीक है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस भी इंक्रीजिंग होते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस भी डिक्रीजिंग होते हैं बट वॉइस वर्सा इज नॉट ट्रू वॉइस यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ बना देता हूं एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा हो सकता है ऐसा ये देन देन अ फेज दिस तो यहां पर क्या होता है स्ट्रिक्टली वर्ड हट गया है इसका मतलब अगर आप एक बार ग्राफ की तरफ देखेंगे तो क्या हो रहा है घटा देन कुछ समय के लिए कॉन्स्टेंट हो गया कोई बात नहीं फिर घटने लगा क्या मैं ओवरऑल ग्राफ को दे के कह सकता हूं कि यार ये ओवरऑल तो घट ही रहा है बीच में कुछ समय के लिए कांस्टेंट हुआ लेकिन ओवरऑल तो ये घट ही रहा है ना तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों हटा बिकॉज स्ट्रिक्टली का मतलब होता है विदाउट एनी इंटरप्शन घटना ही घटना चाहिए यानी कि ऊपर से चल रहे हो तो घटेगा ही थ्रू आउट लेकिन यहां पर देखो कॉन्स्टेंट फेज आपको देखने को मिला तो कॉन्स्टेंट फेज होने की वजह से मैं इसको स्ट्रिक्टली नहीं कह सकता देखो ये पार्ट देखो यहां पर ये घट नहीं रहा है लेकिन ओवरऑल तो घट रहा है ना तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शंस ठीक है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी अगर आप कोई एक्स वन कोमा एक्स टू उठाते हैं इस फंक्शन से अगर इसको मैं एफ एक्स बोल दूं और x1 आपका बड़ा होगा x2 से तो ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ एक्स वन है वो लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो सकता है लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है इधर लेस देन और इक्वल्स टू ठीक है आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी जिस भी इंटरवल में आप बात कर रहे हैं ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरवल फॉर विच दिस ग्राफ इज ड्रॉन बेसिकली बेसिकली यहां से लेकर यहां तक के इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो ये कंडीशन जिनको समझ नहीं आई है वो प्रीवियस वीडियो देखो बाकी आज का जो कंडीशन है फिलहाल के लिए लिखने के लिए आप लिख सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी ईदर लेस देन और इक्वल्स टू जीरो तो ये है आपकी मेन कंडीशन आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ होगा क्या फर्क होता है स्ट्रिक्टली का मतलब समझ रहे हो स्ट्रिक्टली का ग्राफ पर ध्यान दो स्ट्रिक्टली घट रहा है वो ठीक है और अगर मैं बात करूं आपके डिक्रीजिंग फंक्शन की तो वो आप देख सकते हो कि वो घटा इक्वल फिर घटा ठीक है तो इस तरह से चीजें होती हैं सिमिलरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है और अगर इंक्रीजिंग में बात करो तो कॉन्स्टेंट सीनेरियोज आ सकते हैं आई होप कंडीशन क्लियर है फर्स्ट कंडीशन की बात प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे लेक्चर वन में ध्यान से देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो एंड देन डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी और कंडीशन भी क्लियर हुई होगी एफ डैश वाली कंडीशन की एक्सप्लेनेशन पर अभी बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की एक्सप्लेनेशन सबकी मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं तो एक बार समराइज कर लेते हैं गाइज एक बार समराइज कर लेते हैं इन सभी चीजों को तो बात कर लेते हैं मैंने किस चीज चीज के बारे में बात करी मैंने बात करी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की मैंने बात करी इंक्रीजिंग को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अपर एरो के साथ आई होप आपको समझ आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करी मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाता है ठीक है ये लेबल वेबल कर लेना तुम लोग यार समराइज कर रहा हूं बस ग्राफ कुछ इस तरह से आता है उसके बाद अगर मैं बात करूं कंडीशन की तो अगर x1 वन ग्रेटर देन एक्स है तो एल्जेब्रीकली तो वो इंप्लाई करेगा एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स होना चाहिए ठीक है और अगर मैं डेरिवेटिव बेस्ड कंडीशन की बात करूं तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ठीक है गाइज यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप बात सारी आगे बात करता हूं उसके बाद हमने पढ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया कि बढ़ेगा तो सही लेकिन जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली बढ़े मे बी बीच में कांस्टेंट सीनेरियोज आ सकते हैं जैसे कि ये बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया कुछ समय के लिए और फिर बढ़ गया ओवरऑल बढ़ रहा है बट कांस्टेंट सीनेरियोज आ सकते हैं इसके लिए एल्जेब्राइक कंडीशन की बात करूं तो अगर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है तो जो एफ एक्स वन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स टू होता है एक्सप्लेनेशन इज इन द प्रीवियस वीडियो ठीक है प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करना है अपलिकेशन और derivatives की जो सीक्वेंस से चलेगा वही सीख पाएगा इस चैनल पर मेरे साथ और जो डेरिवेटिव की कंडीशन है उसमें क्या है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बात करूं मैं अगर आगे बात करूं उसके बाद हमने देखा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन डिक्रीज होता हुआ फंक्शन तो उस केस में जो मेरा ग्राफ है वो कुछ भी हो सकता है ओल दो बट ओवरऑल वो लगातार डिक्रीज होना चाहिए स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया लगातार डिक्रीज होना चाहिए जो एल्जेब्राइक कंडीशन है अगर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू होगा तो जो एफ एक्स वन होगा गाइस वो लेस देन एफ एक्स टू हो जाएगा ठीक है डेरिवेटिव्स की कंडीशन जो होती है इस पर्टिकुलर केस के लिए वो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है फॉर दैट इंटरवल इन विच यू आर एनालाइजिंग वेदर फंक्शन इज स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग और नॉट ओके मूविंग फॉरवर्ड टू अर लास्ट टाइप दैट वी हैव स्टडीड व्हाट वाज दैट गाइस दैट वाज decreasing functions simply decreasing functions what we had studied in this is in decreasing function overall the function will be decreasing if you will see the overall graph of that function you will find that the function is overall in total decreasing but if we analyze the graph with more insights you will come up that there can be scenarios where the graph is constant but constant doesn't imply that it is increasing so we are simply saying it as decreasing function for example if i draw the graph of decreasing function you can see that it could be like this it is decreasing then a constant scenario came then it is again decreasing the algebraic condition for this is if x1 is greater than x2 then it will imply that fx1 is less than equals to fx2. If I talk of the condition in terms of derivatives, it is f dash x less than equals to 0. Now, I would like you people to analyze that just check, just check. In the condition of simply increasing function what we are saying we are saying if x1 is greater than x2 it should imply that fx1 mark my words that fx1 should be either greater than either greater than or equals to fx2 so can i say if i am mentioning fx1 should be either greater than it means the greater than condition is already involved in the increasing function criteria, and we better know that the greater than condition is for strictly increasing function. So, I can say that all the strictly increasing functions are included in increasing function. If I talk in terms of set theory, I can say that. Strictly increasing functions are subset of increasing functions because the condition of strictly increasing function is already incorporated under the condition of increasing function. Okay, so strictly increasing function is simply a type of increasing function where we do not find any of the scenario where the function is becoming constant. Okay, so this thing you should keep in your mind that. a strictly fun a strictly increasing function will always be an increasing function but an increasing function need not to be a strictly increasing function in general i hope aapko meri baat clear hui hogi maine bola कि अगर x1 बड़ा है x2 से तो increasing function क्या बोल रहा है कि एफ एक्स वन या तो बड़ा होना चाहिए एफ एक्स टू से या फिर बराबर होना चाहिए चलो बराबर वाली कंडीशन तो नहीं आ गई लेकिन या तो बड़ा होना चाहिए क्या बड़े होने वाली सिचुएशन में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन काउंट कर ली यस yes, कर ली तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो मेरा एक पार्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन का एक स्पेशल कंडीशन है एक स्पेशल केस है इंक्रीजिंग फंक्शन का ठीक है सो आई होप

क्या ग्रेटर देन के सिनेरियो में हमने स्ट्रिकली इंक्रीजिंग काउंट कर लिया यस सिमिलरली डिक्रीजिंग में भी एक्स लेस देन क्या हमने लेस देन और है ना क्या लेस देन के केस में हमने काउंट कर लिया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन भी है सो so, इस तरह से मैंने क्या कॉन्क्लूड करा गाइज इस तरह से मैंने कॉन्क्लूड करा कि मैंने कॉन्क्लूड क्या करा मैंने यह कॉन्क्लूड करा आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही होगी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा रहा हूं बट यही सच्चाई है यही पढ़ना है हमने कॉन्क्लूड करा पहला पॉइंट कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं तो वो इंप्लाई करेगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि वो इंक्रीजिंग भी है लेकिन अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है सिर्फ तो वो ज़रूरी नहीं है इंप्लाई करे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है इन जनरल हो सकता है लेकिन हमेशा ये सच नहीं है या फिर अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं तो मैं कह सकता हूं all strictly increasing functions all strictly increasing functions are always increasing functions but the converse i hope you all are well aware of the term converse but the converse need not to be true इन जनरल बट द कन्वर्स नीज नॉट टू बी ट्रू इन जनरल कि जनरली स्ट्रिक्टली सारे स्ट्रिक्ट फंक्शन नॉर्मल तो होते हैं लेकिन जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो सिंपली इंक्रीजिंग है वो स्ट्रिक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है स्पेशल केस में सेम नोट गोज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन गाइज एंड आई होप आप वो लोग आप वो खुद लिख लेंगे कि जो स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है वो इम्प्लाई करेगा कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन भी है बट जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो जरूरी नहीं है इंप्लाई करे कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी है इन जनरल इन जनरल ऐसा सत्य नहीं है ठीक है आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ठीक है गाइस मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग समझते हैं कि यार ये जो एफ डैश एक्स के साइन आए कि स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग में ये ग्रेटर देन जीरो होगा इंक्रीजिंग में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यह लेस देन जीरो होगा डिक्रीजिंग में यह लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा ऐसा क्यों ये ही साइन क्यों आए तो वो समझते हैं हम लोग ठीक है ध्यान से देखेंगे गाइस ध्यान से देखेंगे पहले इंक्रीजिंग फंक्शंस की बात कर लेते हैं जिसमें कि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑलरेडी काउंट कर रहा हूं बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आर सबसेट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस ओके, तो ग्राफ बनाते हैं दो ग्राफ ही सब कुछ है समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं Okay. Here it is इट इज it इट इज वाई it इट इज अगेन axis दिस इज वाई axis एक ग्राफ बनाया ऐसे, एक बनाया ये देन constant हो गया ये कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एंड देन ऐसे आप लोगों को यह बात अच्छे से पता है कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है अब तो क्लियर हो गया होगा आई होप और जो ये ग्राफ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है शॉर्ट में मैं एरोज बना रहा हूं बट आप लोग पूरा लिखना ठीक है कहीं पर भी ये नोटेशन यूज मत करना दीज आर नॉट स्टैंडर्ड नोटेशन एंड जस्ट मैंशनिंग टू सेव माई टाइम ओके दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यू आर नॉट

फोर विच यू आर एनालाइजिंग वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग और नॉट और इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन बताई एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यही तो बढ़ाई ठीक है तो एक बात मैं आपको याद करवाना चाहूंगा या जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूंगा कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है ठीक है अगर कोई फंक्शन एफेक्ट्स है इसका मतलब एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स का मतलब समझ रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ एफेक्ट्स एफ डैश एक्स डिनोट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at that point. I hope आप सभी को इलेवेंथ का फंक्शंस वो सॉरी स्ट्रेट लाइन्स आता है अच्छे स्लोप पता है क्या होता है पता है ना स्लोप इज दैट एंगल विच विच वॉट खुद पढ़कर आना मैं आप दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि ये पढ़कर आना है आई होप सबने पढ़ रखा होगा एफ डैश एक्स डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट और अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं स्ट्रेट लाइंस की फॉर स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस के लिए बात करूं तो एफ डैश एक्स क्या डिनोट करता है डिनोट स्लोप ऑफ द लाइन ठीक है क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि जो स्लोप होता है जो स्लोप होता है वो एम से डिनोट होता है उसको मैंने अभी वो अभी बोला कि वो एफ डैश एक्स वही कैलकुलेट करता है क्या आप लोगों ने पढ़ा था वो टेन थीटा के बराबर होता है सही बात है ये आप लोगों ने पढ़ रखा है एलेवेंथ क्लास में सब कुछ टेन थीटा के बराबर होता है इफ थीटा इज एक्यूट अगर थीटा एक्यूट होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा क्या इसका मतलब एफ डैश एक्स या फिर जो एम है क्या मैं उसको ग्रेटर देन जीरो बोल पाऊंगा सिमिलरली इफ थीटा इज ऑप्टूस तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स या फिर एम जो टेन थीटा के बराबर है वो लेस देन जीरो बोल सकता हूं ठीक है और इफ थीटा इज जीरो डिग्री तो क्या टेन जीरो भी जीरो हो जाएगा क्या इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला सिनेरियो आ जाएगा या फिर जो स्लोप हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा वैसे आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए वैसे आई होप आपको ये पता होगा थीटा इज मेजर्ड from positive direction of x axis in anti clockwise direction आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है यार बाकी सब इलेवंथ में पढ़ रखा है तुमने और बाकी बच्चे तो बोर भी हो गए होंगे क्या पढ़ा रहे हो भैया तो बेसिकली जो मेन चीज थी बताने की वो ये थी कि एफ डैश एक्स डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो डिनोट करता है स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन ठीक है बिकॉज स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट वो खुद ही होती है वो लाइन ओके okay? तो आप ध्यान देंगे मैंने बोला इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है रिग्रसली बढ़ता हुआ एक साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ ठीक है नॉट रिगरसली तो आप इसके स्लोप पर एनालिसिस करिए इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में मैं ग्राफ के मान लीजिए मैं इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक का एनालिसिस कर रहा हूं तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ गाइस उसमें क्लियरली आप देख सकते हैं आप किसी भी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट उठा लो जनरल ये उठा लू ये पॉइंट मैंने उठा लिया आई एम सॉरी जस्ट गिव अ सेकेंड ओके ये पॉइंट उठा लिया इस पॉइंट पर आप स्लोप चेक करें स्लोप कैसे चेक करोगे एक्स एक्सिस पैरल लाइन बनाओगे एक तरह से एक्सिस फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो कि ये है से उस लाइन पर एंगल नोट करोगे ये थीटा क्या ये थीटा एक्यूट है बिकॉज यहां से पार करने के बाद तो होगा, अभी है। क्या ये थीटा है? अगर थीटा है तो अगर क्या, क्या, क्या मैं कह सकता हूं जो एम है जो टेन थीटा के बराबर है वो ग्रेटर होगा क्या मैंने अभी अभी बताया एम एफ डैश एक्स के बराबर होता है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा बस यही समझना था स्लोप एनालिसिस जिनको आता है उनको समझ आ गया होगा दिस इज नॉट जिनको याद रखना है वो याद रख सकते हैं जो डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देंगे जो कल उनके लिए बता रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में ध्यान से देखें आप कोई भी पॉइंट उठा लो इस ग्राफ पर कोई भी ये उठा लो क्या होगा आप एक्स एक्सिस के पैल लाइन प्लॉट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर थीटा देखेंगे पॉजिटिव यहां पर उठा लो थीटा पॉजिटिव हर जगह पर जो आपका थीटा आएगा जो स्लोप के लिए टेन थीटा निकालते हैं जो थीटा है वो पॉजिटिव आएगा तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में ऑलवेज यू विल गेट या अ पॉजिटिव स्लोप विच मीन दैट यू विल ऑलवेज हैव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और दैट्स व्हाट आई हैव रिटर्न वही मैंने आपको सिखाया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है आई होप आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी मूविंग फॉरवर्ड टू इंक्रीजिंग फंक्शन मान लेते हैं ये भी ए से डिफाइंड है डिफाइंड है ये स्लोप एनालिसिस ये करो चलो देखो अगर मैं चलो इसको भी नाम दे देते हैं कुछ मान लेते हैं ये सी पॉइंट है और ये कोई डी पॉइंट है ए से सी पॉइंट तक का अगर आप एनालिसिस करोगे देन यू विल कम अप विद कंक्लूजन दैट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ग्राफ इज सिमिलर टू व्हाट वी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सिमिलर ग्राफ है यानी कि ए से सी तक मैं स्लोप एनालिसिस नहीं करता हूं डायरेक्टली आप अगर कंपेयर करेंगे इतने पोर्शन को उधर वाले पोर्शन से कंपेयर जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है फ्रॉम ए टू सी यानी कि मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं या फिर डी टू बी भी सिमिलर सिनेरियो है डी टू बी भी देख सकते हैं ए से सी और डी टू बी में आप ये देख सकते हैं गाइस कि जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा है यानी कि ए से सी में और बी से डी में एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा अभी बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लेकिन अगर मैं C से D के बीच में बात करूं C से D के बीच में अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाने जाऊंगा तो ऊपर तो उठी नहीं रहा है कब ऊपर कहीं मतलब कि एंगल क्या है थीटा क्या है यहां के लिए C से D पर अगर मैं बात करूं तो थीटा जीरो है विच मीन्स टेन थीटा जीरो विच मीन्स जो स्लोप है वो जीरो है विच मीन्स स्लोप क्या है एफ डैश एक्स क्या वो भी जीरो है सही बात है कांस्टेंट फंक्शन के एक सिनेरियो में जो आपका स्लोप होता है वो जीरो होता है और इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को क्लब कर लेता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन में तो मैं कह सकता हूं कि या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो या फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हो क्या इन दोनों कंडीशंस को क्लब करके ही लिखा गया है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड दैट्स हाउ दिस कंडीशन इज बीन एस्टेबलिस्ड आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइज मूविंग फॉरवर्ड ये तो दो हो गए मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अब ये आप लोग एक मिनट में खुद ही बता दोगे बिकॉज जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है उनके लिए अब कुछ नहीं रहा भाई देखो डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात कर रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए मैं ग्राफ बना लेता हूं एक ये ग्राफ हो गया डोंट माइंड अगर मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं ये स्ट्रेट लाइंस हैं ये ग्राफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सिमिलरली ये दूसरा ग्राफ X एक्सेस, ये वाई एक्सिस तो दो ग्राफ हमने पढ़े थे एक तो ऐसे घट रहा था और एक ऐसे घटकर ये कांस्टेंट हुआ ये घट गया कंडीशंस क्या बताई थी वैसे तो आपको बता दूं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ है आई होप सबको पता लग रहा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और ये सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है ठीक है क्या कंडीशंस लिखवाई थी आप लोगों को कंडीशन लिखवाई थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में जो एफ डैश एक्स होता है वो लेस देन जीरो होता है और जो सिंपली डिक्रीजिंग है उस केस में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो होता है ठीक है अब बस यही सीखना है कि ये कैसे होता है आप सबको वेल क्लियर है कि एफ डैश एक्स क्या डिनोट करता है लोप ऑफ टेंजन टू द कर्व एट दैट पॉइंट इफ दैट इज अ रैंडम कर्व एंड इफ दैट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन देन द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इज वट एफ डैश एस इंडिकेट ओके तो बात करते हैं ये तो स्ट्रेट लाइन्स वाले जनरल ग्राफ है इजी ग्राफ्स लिए हैं ठीक है बात करते हैं इसकी बात करेंगे सबसे पहले ओके okay. तो मान लेते हैं ये ए टू बी में डिफाइंड है मैंने बोला कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन लेस देन जीरो होना चाहिए यानी डिफरेंसिएशनि एफ डैश एक्सरोसो स्लोप शुड बी लेस देन जीरो स्लोप शुड बी लेस देन जीरो का मतलब क्या है टेन थीटा शुड बी लेस देन जीरो करें चलो कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो कोई भी कोई भी आबरा का डाबरा छू अक्डक्कड़ बम्बे वो ये उठा लिया चलो ये रेंडम कोई भी ले सकते थे इसकी जगह आप कोई और लेकर चेक कर सकते हैं स्लोप कैलकुलेट करने का प्रोसीजर एक्स एक्सिस से पैरेलल उस पॉइंट पर लाइन बन गई फिर पॉजिटिव एक्स यानी कि राइट साइड से ड्रॉ करेंगे उस पर एंगल ऐसे ये थीटा यहां पर थीटा क्या होता 90 होता लेकिन 90 से आगे चला गया यानी कि यहां पर थीटा क्या है Obtuse. इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा नेगेटिव या फिर लेस देन जीरो बोल सकते हैं टेन थीट का मतलब लेस 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 देन 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 का मतलब आई होप द सिचुएशन इज वेल क्लियर क्यों होती है ये कंडीशन आप इसकी जगह कोई भी पॉइंट ले लो सेम सिचुएशन आने वाली है आप ये पॉइंट ले सकते थे यहां पर देखते आप तो यहां से ऐसे बनता ये भी एक ऑप्टिकुस एंगल है ठीक है आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी इसीलिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ टैस एक्स इज लेस कर्व पर आप चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं अपने लास्ट कर्व की गाइस ए से बी में डिफाइंड है बीच में पॉइंट्स आए सी डी अगर मैं बात करता हूं ए से सी तक एंड बी से डी तक तो क्या ये सिनेरियो सिमिलर है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ए टू बी तक ग्राफ जा रहा है क्या सिमिलर ग्राफ जा रहे हैं ए से सी तक ए से सी तक और डी से बी तक नॉट बी टू डी बिकॉज बी टू डी तो इंक्रीज कर रहा है डी से बी तक तो क्या मैं इस सिनेरियो के लिए कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, है। क्यों है अभी बताया सेम कंडीशन वही बनाकर देखो स्लोप लेकिन अगर मैं C से D की बात करता हूं C टू D की अगर मैं बात करता हूं गाइस C टू D में आप देख सकते हो कि दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस लाइन का स्लोप क्या होता है जीरो होता है बिकॉज थीटा जीरो है तो क्या एफ डैश एक्स जीरो होता है तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं कह रहा हूं एक पर्टिकुलर ग्राफ के कुछ पार्ट के लिए तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है और कुछ पार्ट के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर तो इन दोनों को क्लब करके जब मैंने कंडीशन एस्टेब्लिश करी तो मेरे पास आया एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो आई होप गाइज द थिंग इज क्लियर सो दिस इज हाउ दीज डेफिनेशन केम अप मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया और फिर इन कंडीशंस पर आए हैं आई होप आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हैं वट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वट आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वट आर सिंपली इंक्रीजिंग एंड वट आर सिंपली डिक्रीजिंग आपको कंडीशन क्लियर हैं किस केस में कौन सा डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है और वही कंडीशन क्यों आती है आई होप आपको ये बात भी क्लियर है तो चलिए गाइस फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इतना ही थ्योरी पार्ट था कॉन्सेप्ट था नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार कॉमेंट करके जरूर बताना और शेयर कर दिया करो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन उस पर मैं अपडेट करता रहता हूँ वट आर वेन आर वैन इज नेक्स्ट लाइव सेशन और When is our next video coming? So, okay, guys, then goodbye, take care, and see ya.